तो अपन को करने हैं अब ऊपर वाले बाल, ठीक है? तो पहले एक हिस्सा देख लो, लाइक यहां से लेके यहां तक, ठीक है? तो मैकेनिकल पेंसिल से सीधी बात, अपन को जो आउटलाइन है, ये मैं इतने हिस्से के करूंगा, इसके आगे के, ठीक है? देख रहे हो मैं ऐसे लाइंस आगे पीछे ले जा रहा हूँ, तुम भी कर सकते हो ऐसा कर्व ले जाने की जगह। ये करूंगा मैं अभी, उसके बाद ये जो जा रहे हैं आगे की तरफ ऐसे, ठीक है, ये करूंगा। तो ध्यान देना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये आउटलाइन बना दी, अब इसके अंदर की मैं ढूंढूंगा। जैसे ये यहां से अंदर कर्व होते हुए जा रहा है, ये यहाँ गया और इसे ज्वाइन कर रहा है ऊपर, ठीक है? फिर यहां से ये देखो, ये सब नियरली स्ट्रेट लाइन है, तो हमें कर्व बनाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं। ये हुआ, ये हुआ, ठीक है? मैं आउटलाइंस दे रहा हूं, मैं उस जगह की डार्क ऐसे आउटलाइंस दे दी। एक हिसाब भी रखना कि कहाँ कहाँ बाल है, ठीक है? पूरे में बाल है, बढ़िया। ये जगह जो आती है जैसे यहां से, तुम्हें क्या करना, अपनी सब लोग राइट हैंडी जो है, ऐसे स्केच घुमाओ, पेंसिल ऐसे पकड़ो, यहां से लेके यहां तक ऐसे बाहर की तरफ स्ट्रोक्स लगाते जाओ, कर्व लगाना थोड़े स्ट्रोक्स, ये वाले, ठीक है? इस तरीके से लगाई अपन ने ये। अब क्या करना, यहां से जो नीचे जा रहे इन्हें थोड़ा ऐसे कर्व कर देना, ठीक है? थोड़े बाहर की तरफ ले जा रहे, इन्हीं स्ट्रोक्स को हल्के हल्के लगाना और इन्हीं स्ट्रोक्स को थोड़े कर्व कर देना एंड में, ठीक है? बहुत ज्यादा गंदा मत करना, भरना नहीं है, थोड़े से ही करना, पांच दस ही लगाओ स्ट्रोक्स हर डायरेक्शन में, जैसे कर्व में ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, वरना तुम लोग गंदा कर दोगे उसे। तो अब आते हैं ऊपर वाले पार्ट में। ऊपर वाले पार्ट में या तो अपन इन्हें डिवाइड करो, जैसे तुम्हें डिविजन्स दिख रहे होंगे, तो कैसे जा रहे, जैसे ये जा रहा, इसने टर्न लिया यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है? ये डिवाइड हुआ, जैसे ये वाला पार्ट है, ये इस तरीके से डिवाइड हुआ। जरूरी नहीं कि इक्वली तीनों पार्ट में डिवाइड हो रहा है, हो सकता है कुछ अलग से भी चला जाए, ठीक है? तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना, खुद भी एक दिमाग लगाओ कि क्या तुम थोड़ा उसे इनोवेटिव कर सकते। अब तुम्हें क्या करना, सिंपली जैसे ये वाले हिस्से तो पूरे भरे हुए हैं, ओके? तो तुम्हें क्या करना, सीधी बात इनमें हैचिंग कर दो ऐसे, ओके? इस तरीके से एक डायरेक्शन में हैचिंग कर दो, ठीक है? अपन को पता चल गया कि ये एरिया भरना है अपन को। अब क्या करना, तो इस तरीके से थोड़े बाहर की तरफ जो स्ट्रोक्स जा रहे हैं, पहले ये बनाया अपन ने, ये हिस्सा खाली है। अब तुम देखो, 6B पेंसिल लो अपनी, 6B पेंसिल शार्प रखना, ये वाला हिस्सा, ठीक है? ये जो चेहरे के पास है, ये डार्क रहे, तो जैसे ये वाला हिस्सा हो जाता है अपना, ये मान लो ये वाला, ये कैसा पूरा डार्क है, तो तुम्हारे जो स्ट्रोक्स आ रहे हैं ये ऐसे धीरे डार्क आते जा रहे हैं, ठीक है? ये वाला जो हिस्सा है, ये क्रॉस हैचिंग में इस तरीके से, नीचे वाला सिंगल डायरेक्शन था, इनकी आउटलाइन 6B से कर सकते हो तुम। एक और काम कर सकते हो कि अपनी मैकेनिकल ली और ये बॉर्डर के पास पास थोड़ा और डार्क कर दिया बस, ठीक है? फिर ये ऊपर वाले हिस्से में आते, तो एक डार्क एक लाइट, या फिर ये सब नीचे से डार्क है, बीच सेंटर में लाइट है, फिर ऊपर डार्क है। तो तुमने क्या किया, ऊपर की तरफ ऐसे हैचिंग करने चले गए, ऐसे हैचिंग करते करते बस यहाँ छोड़ दिया, हैचिंग करते करते छोड़ दिया, तो वैसे स्ट्रोक्स भी लगा सकते हो, ठीक है? लेकिन जो चीज कर रहे हो वो पूरे एक सेट में करना, अगर इतने में हैचिंग कर रहे हो तो इतने में हैचिंग करो, इतने में अगर स्ट्रोक्स लगा रहे हो तो पूरे में स्ट्रोक्स ही स्ट्रोक्स लगाओ, ठीक है? फिर ये बीच का हिस्सा जैसे अपन को दिख रहा है, लाइट छूटा हुआ है, ये हिस्से में हैचिंग है, ये हिस्से में स्ट्रोक्स है, तो ऊपर वाले हिस्से में करो, पेंसिल शार्प रखना। कुछ पोर्शन जैसे ये वाला हिस्सा है, जैसे ये वाला तुम्हें हिस्सा दिख रहा होगा, ये पूरा ऐसे भरा हुआ है, ये भर दिया। तुम चाहो तो मैकेनिकल से भी लगा सकते हो, थोड़े प्रेशर के साथ,
यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे कैसे जा रहे, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस डायरेक्शन में अपन ने हैचिंग करना स्टार्ट कर दी, मैकेनिकल से कर रहा हूं मैं प्रेशर के साथ। ओके, ये वाले हिस्से में थोड़े 6B जो डार्क चाहिए था अपन ने उतना डार्क कर दिया, बाकी काफी इतना ही काफी है मेरे ख्याल से। ठीक है, यहाँ यहाँ पे थोड़ा रखा अपन ने डार्क, यहाँ थोड़े से नीचे की तरफ स्ट्रोक्स जाते हुए। ठीक है, फिर ये जो बचा कुचा एरिया है यहाँ पे थोड़े बारीक बारीक हैचिंग कर दो मैकेनिकल से। ओके, इस तरीके से अपने एक डिसेंट से हेयर बन जाते हैं। तुम एका जो दो स्ट्रोक्स हैं या आउटलाइन है बाहर की 6B से बना सकते हो, थोड़ा अपने हिसाब से भी कर सकते हो। जैसे तुम्हें अगर ये इससे ज्यादा लाइट लग रहा है मान लो, तो तुमने यहाँ पे डार्क ऐसे स्ट्रोक से लगा दिए, ये हिस्सा जो हो गया ये हिस्सा हो गया, ऐसे थोड़ा लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन। ऐसा नहीं कि पूरी लाइट छोड़ दो, ऐसा नहीं कि पूरी डार्क कर दो, अपन को लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन बना के रखना। ओके, तो इतना हिस्सा करो पहले, तो मुझे जितना हिस्सा करना है अभी मैं उसको डार्क कर लेता हूं। देखो मैं एक पतली सी लाइन ही ले जाता, मैं उतने हिस्से को ऐसे 4-5 बार करके मोटा भी कर देता और डार्क भी कर देता अपनी मैकेनिकल पेंसिल से ही। ठीक है, अब अपना एक सिंपल क्या आता, पहले एक डायरेक्शन पकड़ लो, उसमें पास पास हैचिंग कर दो ताकि वो हिस्सा जहां जहां पे अपन को करना है वो एक फिल हो जाए। ठीक है, अब जैसे ये है तो इसमें तुमने डिवीजन बना दिया, जैसे इसी को इसी के शेप में और डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एक डार्क एक लाइट, तो जैसे मान लो स्ट्रोक्स कर सकते हो, इसमें स्ट्रोक्स कर दिए, फिर एक बीच का थोड़ा लाइट कर दो, यहाँ पे स्ट्रोक्स कर दिए, बीच में लाइट छोड़ रहे हो उसे एकदम ही नहीं छोड़ना, उसमें क्या करो एक हैचिंग दूसरी डायरेक्शन डाल मैकेनिकल पेंसिल से हल्की। अब तुम्हें पता है ये वाला हिस्सा तुम्हारा डार्क रहना चाहिए, तो या तो तुम ऐसे हैचिंग कर लो या फिर स्ट्रोक्स लगा सकते हो। ओके, तो स्ट्रोक्स लगा लो, ऊपर ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स लगा लो हल्के। ठीक है, और इन्हें और बेटर करने के लिए मैकेनिकल से एक और डायरेक्शन में कर लो, तो उससे क्या होता है डार्क तो ये हो ही गया है, यहाँ पे डार्क टू लाइट का एक ट्रांजिशन आएगा सिंपल सा, और फिर से ये डार्क हो जाएगा, तो डार्क टू लाइट अपन को ढंग से दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये जो बाल जा रहे हैं ऐसे बीच में मत छोड़ो, इन्हें आगे जाके ऐसे कर्व कर लो नीचे की तरफ, ये है यहाँ की तरफ कर, ये है यहाँ की तरफ कर, यहाँ से 4-5 ऐसे सेंटर से बस। ओके, तो इतने में हो जाता है। अब यहाँ पे भी है ये वाला हिस्सा जो अपन ने किया, यहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ो कि लाइट छोड़ दिया अपन ने, 2-4 स्ट्रोक ऐसे मैकेनिकल पेंसिल से भी मारेंगे, 6B से 2 स्ट्रोक ऐसे डार्क, फिर तो मैकेनिकल पेंसिल लो उससे भी 2-4 स्ट्रोक ऐसे वो मारो डार्क से थोड़े। ठीक है, ताकि कॉन्ट्रास्ट जो है वो मैच हो जाए। ओके, तो इस तरीके से हो जाते अपने बाल, अपन ये बाकी के बाद में देखेंगे, इतना काफी है।